अस्सलाम वालेकुम। आज के मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को ये बताने वाला हूँ कि 2023 में एसटीसी पे में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करें। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल में ये एसटीसी पे ऐप को पहले ओपन करना है। तो देखिए भाई, जब आप अपने एसटीसी पे ऐप को ओपन करेंगे, तो जब आपका एसटीसी पे ऐप ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। तो बस इसी के ऊपर आप लोगों को कर देना होगा क्लिक। तो देखिए, जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड न्यू करके। तो बस इसी के ऊपर आप लोगों को कर देना होगा क्लिक। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है फुल नेम। तो जिस बैंक में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, उस बैंक में आपका जो भी नेम लिखा हुआ होगा, सेम वही नेम को आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हमारे बैंक में जो है लास्ट नेम नहीं है, तो हमारे बैंक में सिर्फ एक ही नेम फर्स्ट नेम है, तो मैं वही नेम को यहाँ पर डाल दिया। फिर उसके बाद नीचे देखिए रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ नीचे पर्सनल के ऊपर आप लोगों को करना है क्लिक। तो देखिए, फिर उसके बाद अब नीचे देखिए कंट्री, तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना है, और किस कंट्री में हमको पैसे ट्रांसफ़र करना है, यानी किस कंट्री का हमको बेनिफिशियरी ऐड करना है, वो कंट्री को हमको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं ले लिया इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया का बेनिफिशियरी ऐड कर रहा हूँ इसलिए। अब नीचे देखिए डिलीवरी ऑप्शन, तो इसके भी ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, और आपको पैसे किस में ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि हमें तो बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो इसलिए मैं यहाँ ट्रांसफ़र टू ए बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन ले लिया। फिर अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। तो देखिए भाई, जैसे कि सबसे ऊपर है बैंक नेम, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है, तो आपको जो है कौन सा बैंक में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, जो भी बैंक होगा जिसको आप एसटीसी पे में ऐड कर रहे हो, वो बैंक को आपको यहां से चूज़ कर लेना है। फिर अब देखिए, उसके नीचे है अकाउंट नंबर, तो उस बैंक का जो भी अकाउंट नंबर होगा, उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके नीचे है आईएफएससी कोड, तो बैंक का जो भी आईएफएससी कोड होता है, उसको भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर देखिए, सबसे नीचे है पर्पस ऑफ रेमिटेंस, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और नीचे फैमिली के ऊपर आप लोगों को कर देना होगा क्लिक। और अगर आपका एनआरआई अकाउंट है, तो फिर आप ऊपर वाले पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को नीचे करना है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। तो अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है नीचे कंटिन्यू। तो देखिए भाई, फिर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब जिस नंबर से आप एसटीसी पे का अकाउंट बनाए होंगे, उसी नंबर पर इस तरीके से कॉल आएगा, तो उसी कॉल को आपको रिसीव कर लेना है। अब यहाँ पर यह बोला जाएगा कि जो आप इसमें बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं, अगर इसको आपको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट कराने के लिए आपको वन प्रेस करना है, लेकिन अगर इसको आपको एक्टिवेट नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो फिर आपको टू यहां पर प्रेस करना है। तो भाई, हमें तो एक्टिवेट कराना है, हमें तो कैंसिल नहीं कराना है, तो इसलिए हमको यहां पर वन प्रेस कर देना है। तो फिर उसके बाद जो है ये कॉल ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए, हमारे एसटीसी पे में ये बेनिफिशियरी जो है बिल्कुल सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ होम पेज के ऊपर। तो देखिए, फिर से मैं वही इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि अभी जो मैं बेनिफिशियरी ऐड किया, ऐड हुआ या फिर नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अभी मैं बेनिफिशियरी ऐड किया, वो देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुल। जैसे देखिए, यहाँ पर लिख करके आ रहा है अफसर नो लास्ट नेम। अब जैसे कि लास्ट में इसलिए जो है लिखा हुआ है नो लास्ट नेम, क्योंकि हमारे बैंक में सिर्फ एक ही नेम था, और जो कि इसमें जो है दो नेम डालना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ही डाला था, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नो लास्ट नेम आ गया। तो इस तरीके से आप लोग 2023 में एसटीसी पे में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं।